हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किंग ऑफ स्विंग मशीन। आज मैं उषा वंडर स्टिच का डेमो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको खाली स्विच ऑन करना है, ये स्पूल पिन है, कोई भी एक स्पूल पिन आपको ओपन करनी है, ये थ्रेड है, यहाँ पे खाली आपको थ्रेड रखना है, ये थ्रेड गाइड है, यहाँ पे आपको खाली अटैच करना है। एक्सेशन टेबल को आपको खोल देना है, मैंने कवर को भी खोल देना है। ये बॉबिन केस है, बॉबिन केस को आपको ऐसे निकालना है, इसमें प्लास्टिक का ही बॉबिन आता है। ये बॉबिन वंडर है, इसमें खाली आपको पुश कर देना है। फिर ये जो थ्रेड है इसको क्लॉकवाइज 7 आटे लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम आपको 7 आटे लगाने हैं। अगर एक्स्ट्रा थ्रेड होगा तो आपको कट कर लेना है। यहाँ से खाली राइट साइड क्लिक करना है और ये जो बैलेंस व्हील है इसको बाहर के साइड खींच लेना है और फूट कंट्रोल को पुश करना है। जितना भरना है उतना भर सकते हो, पूरा भर जाएगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बॉबिन भरने के बाद इसको लेफ्ट साइड करना है और हैंड व्हील को अंदर के साइड पुश कर देना है। जब हैंड व्हील को पुश करोगे तो मशीन चालू हो जाएगी, पहले मशीन साइलेंट थी। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं, यहाँ पे थ्रेड कटर है, यहाँ से धागा को कट कर देना है। ये आता है बॉबिन केस, बॉबिन केस में बॉबिन को डालने का तरीका ऐसे पकड़ना है आपको, इसमें बॉबिन डालना है, यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है, ये स्लॉट से आपको धागे को यहाँ पे खींचना है और यहाँ से अंदर पुश कर लेना है। एक बार कंफर्म कर लेना है कि बॉबिन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है तो सही है। बॉबिन की डब्बी जब भी आपको सेटल में लगानी है तो बॉबिन केस को ऐसा पकड़ना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्लॉट बना हुआ है इसके सामने ये रॉड का पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पे खाली आपको पुश कर देना है और ये थ्रेड को अंदर की साइड छोड़ देना है। अभी थ्रेडिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे थ्रेड रखना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये थ्रेड टेकअप लेवर है, ये कभी कभी नीचे डाउन होता है, तो सबसे पहले थ्रेडिंग करने के पहले क्या करना है, ये जो हैंड व्हील है अपने ओर घुमा के इसको थ्रेड टेकअप लेवर को ऊपर लेके आना है, सबसे पहले ये करना है। फिर फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे थ्रेड रखना है, यहाँ पे देखो एक थ्रेड गाइड है, इसमें एक नंबर पे डालना है, यहाँ से एक सीधा, फिर यहाँ से लिखा है यू टर्न, फिर यहाँ से सीधा लेके जाना है, फिर यहाँ पे जो थ्रेड गाइड है यहाँ पे लिखा भी है राइट से लेफ्ट, फिर राइट से लेफ्ट, यहाँ से सीधा। ये तार की क्लिप में डाल देना है। अभी नीडल में जब भी आपको हाथ से अगर धागा डालना है तो पहली मशीन में लेफ्ट साइड से आता था, इसमें सीधा आएगा, जैसे आपको यहाँ से थ्रेड कट करना है और यहाँ से सीधा डाल देना है। अगर नीडल ऑटोमेटिक डालना है तो कैसे करना है आपको, यहाँ पे देखो ये नीडल थ्रेड है, ये पूरा नीचे खींचना है आपको, फिर इसको टाइट पकड़ के रखना है ऐसे, फिर ये अंगड़ी से आपको गाइड करना है यहाँ पे, फिर देखो ये सेकंड पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको टच करना है, ये नीचे लेके जाना है दोबारा, ये जहाँ पे लास्ट में पड़ जाता है उसके जस्ट नीचे से आपको थ्रेड को पीछे की साइड खींच ले रहे हैं। जैसे नीडल थ्रेड को आप थोड़ा हल्के से घुमाओगे तो ये ऑटोमेटिक थ्रेड आ जाएगा। फिर क्या करना है, ये थ्रेड को पकड़ के रखना है लेफ्ट साइड के हाथ में, राइट हाथ से व्हील घुमाओगे तो नीचे वाला थ्रेड ऊपर आ जाएगा, यहाँ से आपको धागा कटिंग कर देना है, दोनों थ्रेड पीछे के साइड। एक्सेशन टेबल को बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ABCD फंक्शन लिखा हुआ है, A से लेके G तक लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। कोई भी आपको पैटर्न करनी है, समझो एग्जांपल आपको ए लेनी है, ए पे नॉर्मल सिलाई है, सिलेक्टर ए लेंथ 1 नंबर, एक नंबर पे टाका थोड़ा छोटा आएगा, एक नंबर, 2 नंबर करोगे टाका और बढ़ाएगा, और ये 3 नंबर,
देखिए ये टाका बहुत छोटा है, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, और ये फोर नंबर, फोर टाका थोड़ा बड़ा आएगा। जैसे आपको रिवर्स स्टिच करनी है, कपड़े को लॉक करना है, तो यहाँ पे रिवर्स स्टिच बटन है, जैसे इसको दबाओगे तो रिवर्स जाएगी, दो बार इसको पुश करोगे तो लॉक हो जाएगा। नीडल को मैक्सिमम ऊपर करना है, कपड़े को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए लॉक हो, इसीलिए देखो 1 2 3 4 पे छोटी बड़ी पैटर्न आप कर सकते हो। अब सिलक ए और बी दोनों रेगुलर ही पैटर्न है, बराबर। ये नॉर्मल सेंटर में आती है और ये थोड़ी लेफ्ट साइड में है, तो सिलेक्टर हम सी ले लेते हैं। लेंथ वन नंबर, एक नंबर पर नानी जिगजैग, दो नंबर करके जिगजैग, थोड़ी बड़ा पैटर्न बनेगा। तीन नंबर उससे बड़ी पैटर्न, और ये चार नंबर उससे बड़ी जिगजैग। ये देखिए एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, मतलब 1 2 3 4 कोई भी ऊपर वाली रेड कलर के पैटर्न में छोटी बड़ी करने के लिए है। सिलेक्टर डी लेंथ वन नंबर, अब ये डी वाली डॉट डॉट जिगजैग होगी। जब भी आपको सिलेक्टर कोई भी घुमाना है, कोई भी सेट करना है, तो क्या करना है, जब भी कपड़े के अंदर नीडल रहेगी तो आपको सिलेक्टर सेट नहीं करना है। व्हील अपनी साइड घुमा के नीडल की पोजीशन जब ऊपर आ जाएगी तभी आपको सिलेक्टर घुमाना है। तो सिलेक्टर ई, नीडल ऊपर, एफ, नीडल ऊपर, जी, ये ऊपर वाले सभी पैटर्न बन गए, डी ई एफ और जी। इस प्रकार आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो। अगर छोटी बड़ी करनी है 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके आप छोटी बड़ी भी पैटर्न इसमें कर सकते हो। अभी नीचे वाली पैटर्न कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ऊपर रेड कलर में दिए गए, नीचे भी पैटर्न दिए गए आपको। अभी नीचे वाली पैटर्न लेने के लिए क्या करना है, फिर से आपको ए पे जाना है और यहाँ पे खाली एस एस कर देना है, कलर मैच करना है आपको। खाली एस एस कर दिया, फिर से ये करोगे, अभी ये नीचे वाली ए वाली पैटर्न होगी। जैसे जीन्स में हेवी सिलाई आती है ना, वो सिलाई है ये। जैसे बार बार कोई कपड़े पे आप सिलाई करते हो, बार बार निकल जाती है, तो यहाँ पे एस एस कर देना है और सिलेक्टर ए कर देना है। ये हेवी सिलाई हो जाती है, कोई भी कपड़े पे एक बार मार दोगे कपड़ा फट जाएगा, लेकिन सिलाई निकलेगी नहीं। ये देखिए अब यहाँ पे हम ए और बी दोनों तो रेगुलर ही है। सिलेक्टर सी जिगजैग वाली, जैसे कि हमने ऊपर वाली जो भी पैटर्न की उसमें 1 2 3 4 पे छोटी बड़ी की, अगर आपको नीचे वाली में छोटी बड़ी करनी है तो क्या करना है, जैसे मैंने एस एस पे रखा है, माइनस पे करूँगा तो छोटी हो जाएगी। एस एस पे मीडियम और प्लस पे बड़ी, इसमें भी आप तीन प्रकार के छोटी बड़ी कर सकते हो। ये देखिए ये मीडियम थी, ये माइनस और ये बड़ी साइज। इस प्रकार आप इसमें भी छोटी बड़ी पैटर्न कर सकते हो। धागे को बाहर के से खींच लेना है, कपड़ा यहाँ से कट कर देना है। यस, डी वाली पैटर्न, नीडल ऊपर, ई वाली पैटर्न, नीडल ऊपर, एफ वाली पैटर्न, नीडल ऊपर, ए जी वाली पैटर्न। अगर इसमें आप नीचे वाले पैटर्न में छोटी बड़ी करनी है तो आप एस एस प्लस माइनस का इस्तेमाल करके आप छोटी बड़ी कर सकते हो। ये देखो डी ई एफ और ये लास्ट वाली जी। इस प्रकार आप कोई भी पैटर्न इसमें बना सकते हो। ये ऊपर वाले पैटर्न थे, ये नीचे वाले पैटर्न थे।
ये था नॉर्मल zigzag फुट। इसमें आप सभी प्रकार के आप नॉर्मल पैटर्न नॉर्मल सिलाई कर सकते हो। ये आता है पीको के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्लिप दिख रही है आपको, यहाँ पे इसको अंदर के साइड पुश करना है तो ये फुट निकल जाएगा। लगाने के लिए क्या करना है आपको, बहुत इजी है लगाने का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नीचे वाला थ्रेड आ रहा है, यहाँ पे ये खाँचा है, ये खाँचा और हर एक दर एक फुट में एक खाँचा दिया हुआ है। दोनों खाँचे इसे मैच करना है। देखो ये नीचे वाला खाँचा ऊपर वाला खाँचे से क्लियर दिखना चाहिए। फिर ये जो ब्लैक प्रेशर फुट है इसको आपको खाली डाउन कर देना है तो ये बैठ जाएगा। देखो बैठ गया दोनों थ्रेड पीछे के साइड। यहाँ पे सिलेक्टर आपको सी रखना है पीको के लिए। लेंथ रखनी है 2 नंबर। साड़ी दुपट्टा कोई भी कपड़ा होगा, जैसे ये थ्रेड निकला हुआ है इसको फिनिशिंग में बराबर आपको काट लेना है। यहाँ पे आपको पहले सीधा ही कपड़ा रखना है और व्हील घुमा के निडल की पोजीशन को आपको नीचे ले लेना है और कपड़े को थोड़ा क्रॉस पकड़ना है। फिर यहाँ से आपको गाइडलाइन जो दी है उसमें थोड़ा इसमें कपड़े को खड़ा रखना है, मशीन को चलानी है। जैसे जैसे आप मशीन चलाओगे वैसे वैसे कपड़े को खाली गाइड करते रहना है। नीडल का मैक्सिमम ऊपर करना है और कपड़े को बाहर निकाल देना। ये देखो बहुत ही अच्छा पीको बना सकते हो। ये ओनली पीको के लिए था। यहाँ पे एक क्लिप दिख रही है आपको, यहाँ से इसको पुश करोगे ये निकल जाएगा। ये आता है गाच और बटन के लिए फुट। रेड कलर की पट्टी आपको दिख रही है या डाबी बाजू आएगी लगाने के लिए। यहाँ पे देखिए रेड मार्किंग दिख रही है आपको, और यहाँ पे लेके जाना है। देखो ये पट्टी और ये पट्टी दोनों खाँचे मैच होना चाहिए। जैसे फ्रेशर फुट को डाउन करोगे ये बैठ जाएगा। अभी बटन होल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रेड कलर की मार्किंग भी दी गई है तो कहाँ से लेके कहाँ तक करना है यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये तो एक दूसरा ऑप्शन ऐसा है, जैसे ये बटन है बटन के हिसाब से आपको गाज करना है आपको। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ये बटन रखा है, यहाँ पर बॉल कैम भी मार्किंग की। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ये एंडिंग पॉइंट हुआ। यहाँ पे देखो सिलेक्टर 1 नंबर बॉक्स दिया है, 1-0 के बीच में करना है। इसमें हमको पहले 4 स्टेप में बनाना है। 1 नंबर आएगी सीधी सिलाई, 2 पे होगा लॉक, 3 पे जाएगा रिवर्स और 4 पे होगा लॉक। मतलब 4 स्टेप में आपको बटन होल बनाना है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगी, निडल की पोजिशन यहाँ पर रहेगी। 1 नंबर करोगे 1 पे चलाना है, यहाँ से 1 पे आएगी सीधी सिलाई, सीधी सिलाई। फिर 2 नंबर करना है, यहाँ पे होगा लॉक। फिर यहाँ से 3 नंबर लेना है, यहाँ से सिलाई जाएगी रिवर्स। फिर 4 नंबर करना है, यहाँ पे होगा लॉक। मतलब 1 नंबर आएगी सीधी सिलाई, 2 पे लॉक, 3 पे रिवर्स और 4 पे लॉक। मतलब 4 स्टेप में आप बटन होल बना सकते हो। तो यहाँ पर हम 1 नंबर कर लेते हैं 1-0 के बीच। अभी 1 नंबर की मार्किंग जहाँ पे है वहाँ पे आपको खाली लेके जाना है। अभी यहाँ पे 2nd जो मार्किंग है वहाँ तक आपको चलानी है। सेकंड मार्किंग आ गई तो नीडल की पोजीशन को ऊपर करना है। यहाँ पे देखो 2nd नंबर लेना है, 2 और 4 एक ही है। 2nd नंबर पे खाली 2 बार लॉक करना है। फिर नीडल की पोजीशन ऊपर लेनी है, यहाँ से 3rd नंबर लेना है, 3rd पे जाएगी रिवर्स। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आएगा वहाँ तक चलानी आपको, आ गया। फिर नीडल को ऊपर करना है और ये 4 नंबर दबा देना है, ये फिर से लॉक हो जाएगा। देखो 1 नंबर हमने यहाँ से चलाया था यहाँ तक, फिर 2nd में लॉक हुआ, 3 में रिवर्स और 4 में फिर से हमने एक बटन होल कम्प्लीट कर लिया। मतलब 4 स्टेप में आप बटन होल बना सकते हो।
और जब भी आपको बटन होल बनाना है तो आपको 1 2 3 4 चार मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से 1 नंबर और 2 नंबर ही मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे ओपनर से खाली यहाँ से कट लगा देना आपको। अभी इसमें यही फुट से आप बटन भी लगा सकते हो। अभी बटन लगाने के लिए क्या करना है, अपना एक्सेशन टेबल आपको खोलना है, यहाँ पे ये हुक कवर खोल देना है। यहाँ पे देखो ये फिट डॉक है। बटन लगाने के लिए क्या करना है, इसको नीचे खींच के इसको राइट साइड पुश कर देना। इससे क्या होगा, ये जो दाती है दाती लॉक हो जाएगी। दाती का पर्पज़ क्या है, कपड़े को आगे फेंकने के लिए। जब आप सिलाई करते हो तो कपड़े को आगे लेके जाती है। अभी ये दाती हमने लॉक कर दी है, मतलब कपड़ा एक ही जगह पे मूवमेंट करेगा, आगे नहीं जाएगा। अगर दाती ऊपर रहती है आप बटन लगाओगे तो टूट जाएगा, इसके लिए हमको दाती लॉक करना पड़ेगा। और एम्ब्रॉयडरी के लिए भी ये नीचे से लॉक करना पड़ता है। सिलेक्टर आपको रखना है सी बटन के लिए, लेंथ रखनी है 0 और नीडल की पोजीशन आपको चेक करने का भी। अभी देखो ये नीडल की पोजीशन राइट साइड है, व्हील अपने और घुमा के इसको लेफ्ट साइड के पोजीशन में लाना है। बटन आप 2 होल का भी लगा सकते हो, 4 होल का भी लगा सकते हो। तो बटन कैसे लगाना है आपको, यहाँ पे हमने कपड़ा रखा, बटन को यहाँ पे सीधा रख देना है। पहले लेफ्ट साइड के होल में आपको नीडल को लॉक कर देनी है, नीडल आगे लेफ्ट साइड के होल में प्रेशर फुट को डाउन कर देना है। फिर क्या करना है, व्हील को अपनी साइड घुमाना है और ये राइट साइड जाएगा नीडल। अभी देखो राइट साइड में थोड़ी नॉर्मल टचिंग हो रही है नीडल, तो नीडल की पोजीशन को ऊपर करना है और यहाँ सी और बी में गैपिंग दिया गया है। जैसे 1 पॉइंट को घुमाना है, मतलब एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। अभी एक ही पॉइंट हमने टचिंग किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। दोनों होल मैच कर लेना है, एक बार हाथ से कंफर्म कर लेना है बटन फील घुमा के, फिर इसको पुश करना है। 2 होल का होगा तो ऐसे ईजी लग जाएगा, अगर 4 होल का होगा तो क्या करना है, नीडल को फिर ऊपर उठाना है और लेफ्ट साइड की पोजीशन में लाना है। ये लेफ्ट साइड की पोजीशन में आ गई तो इसको ऊपर ही रखना है, प्रेशर फुट को थोड़ा ऊपर उठाइए और थोड़ा आगे लेके जाइए। फिर यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट, एक बार आपने कंफर्म किया है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीडल को मैक्सिमम ऊपर करना है और कपड़े को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ पे आपको खाली कट लगा देना है और आपको नीचे से लॉक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। फुट है इसको निकालने के लिए यहाँ पे पुश करना है, ये निकल जाएगा। फिर अपने ये एक्सेशन टेबल खोलना है, ये जो हमने फिट डॉग लॉक किया था ना, इसको फिर से नीचे खींच के इसको लेफ्ट साइड करना ज़रूरी है। अगर ये लेफ्ट साइड नहीं होगा तो कोई भी कपड़े में सिलाई नहीं आएगी, कपड़ा आगे नहीं जाएगा। इसके लिए इसको फिर से हमने लेफ्ट साइड कर दिया। फिर ऊपर को बंद कर देते हैं, एक्सेशन टेबल को हम बंद कर देते हैं। ये आता है फॉल लगाने के लिए, इसको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रू दिया गया है, इसको अपनी साइड थोड़ा घुमाना है। जैसे यहाँ पे ऊपर की साइड घुमाओगे दिए ये साइड जाएगा लेफ्ट साइड, और नीचे घुमाओगे दिए राइट साइड आएगा। तो एडजस्टमेंट आपके हिसाब से आपको ले लेने हैं। ये आता है फॉल लगाने के लिए, तो दोनों काचे मैच करने, इसको डाउन कर देना दोनों थ्रेड पीछे के से। यहाँ पर आपको लेना है सिलेक्टर सी और लेंथ रहनी आपके हिसाब से, आप 1 2 3 4 जो लेने आप ले सकते हो। एग्जाम्पल देखो, ये जैसे ये साड़ी है और ये फॉल है, ये जो प्लास्टिक की पट्टी दिख रही है यहाँ पे आपको प्रेशर फुट को डाउन कर देना है। एक बार टाका आएगा साड़ी पे और एक बार आएगा फॉल पे। ये देखो लेंथ आपके हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे मैंने नॉर्मल समझो एक साड़ी का कपड़ा है और एक फॉल का, इसको ऐसे टच करना है और यहाँ पर आपको ऐसे चलाना है। नीडल को मैक्सिमम ऊपर निकालना है, इसको निकालना। ये देखो जैसे साड़ी थी ये ऐसे फॉल होगा, तो ये जिगजैग पे आप इसको लगा सकते हो, बहुत ही शानदार। और इसमें और एक तरीका बताता हूँ मैं, जैसे आपको इंटरलॉक करना है यही फुट में आप इंटरलॉक कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्टर लेना है आपको जी, लेंथ रहनी है SS, ये नीचे वाली जी। अब इस पर इंटरलॉक भी कर सकते हो। इंटरलॉक कैसे करना, जैसे समझो एग्जाम्पल ये मैंने 2 कपड़े को ज्वाइंट किए,
ये समझो ये दो कपड़ा है, इसको हमने ज्वाइन किया। ये आप ही आपको वाइस मार्किंग लेनी है और यहाँ पे टच करके चला रहा है। डेल को मैक्सिमम ऊपर करना है, यहाँ पे निकाल देना। देखो ये इंटरलॉक की सिलाई भी आप कर सकते हो, जो बाहर के से देखोगे तो ये नॉर्मल सिलाई आएगी। बहुत ही अच्छा आप इंटरलॉक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये जो फुट है यहाँ से आपको पुश करना है, निकाल देना है। ये लास्ट वाला जो फुट है ये आता है जीप लगाने के लिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसा रखना है, प्रेशर फुट को डाउन कर दोगे निकल जाए बैठ जाएगा। सिलेक्टर यहाँ पे करना है नॉर्मल सिलाई। ए लेंथ रखनी है आपको 1, 2, 3, 4, आपके हिसाब से आप रख सकते हो। जिप लगाने के लिए क्या करना है आपको, जैसे मैंने ये जिप ले ली है, जिप आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि अपने कपड़े को यहाँ पे रखना है। एक बार कपड़े को लॉक कर देना, यहाँ पे कपड़े को आपको ऐसा रखना और मशीन को चलानी है। जैसे ये जीप आ जाएगी तो प्रेशर फुट को ऊपर कर देना है थोड़ा, और नीडल को भी ऊपर कर देना है और जीप को खोल देना। सेकंड बाजू लगाने के लिए क्या करना है, वैसे आपको सेम कपड़ा रखना है, कपड़े को नीचे की साइड रखना है, यहाँ पे कपड़ा आपको रख देना है, वैसे सेम तरीके से आपको चला देना। ऐसे आप लगा सकते हो, जैसे जिप आप खोलोगे, नीडल चेंज करने के लिए अगर बाई चांस आपका नीडल ख़राब हो जाती है, आपको चेंज करने की ज़रूरत आती थी, तो यहाँ पे नीडल क्लैम्प है, इसको 2 8 अपने सेट घुमाना है तो ये नीडल क्लैम्प खुल जाएगा। तो ये जो नीडल आती है इसको थोड़ा हल्के से नीचे खींच लेना है। यहाँ पे देखो नीडल जब भी आपको बिठानी है तो एक भाग आता है इसमें फ्लैट, एक आता है राउंड। फ्लैट वाला जो भाग है ये पीछे के साइड जाएगा, फ्लैट वाला भाग पीछे के साइड, राउंड वाला भाग आगे के साइड, और नीडल का जो होल आता है एग्जैक्ट अपना सामने आता है, तो फ्लैट वाला भाग पीछे के साइड। जितनी ऊपर से जाने देना है स्क्रू को टाइट कर देना, और कभी कभी आपके सेटल में धागा फंस जाता है, कपड़ा फंस जाएगा, तो यहाँ पर आपको सेटल बॉक्स खोलना है, इसको यहाँ से निकाल लेना है। ये मेन बॉक्स आएगा, इसको खोलना है, ये सेटल पूरा आपका निकल जाएगा, जो भी होगा इसको क्लीन कर लेना है, कपड़े से आपको क्लीन कर लेना है। बिठाने के लिए क्या करना है, व्हील अपने और घुमाना है, ये कोई भी सर्कल में रहेगा इसको सिलेक्टर सी आकार में कर देना है। इसका मैंने स्पेशल डेमो बना के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे इसके सिलेक्टर सी करना है, उसको ऑपोजिट सामने खाली डी रख देना है, और फिर ये सटल रिंग आती है यहाँ से, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, छतोला भाग अंदर की सेट जाएगा, तो यहाँ पे आपको लेके जाना है, कोई भी एक साइड दबा के रखना है, फिर यहाँ पे फुट कंट्रोल यहाँ पे पुश कर देना नीचे के साइड, टक करके साउंड आएगा। व्हील एक बार कंफर्म कर लेना है आपको घूम रहा है कि नहीं, और ऑयल आपको यहाँ पे और ये सेटल के अंदर करना है, दाती में और सेटल के अंदर यहाँ पे पॉइंट, मैं दूसरी कोई जगह आपको ऑयलिंग नहीं करना है, यहाँ पे ऑयलिंग करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही आपको हर एक मॉडल का वीडियो का डेमो मिलेगा आपको। थैंक यू।